अगली खबर आ रही है मंदसौर से, जहां एक युवती ने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुना जिले की नाजनीन बानो ने प्यार के खातिर मजहब बदला है। युवती ने दूसरे धर्म के युवक से प्यार किया, उसने सनातनी बनकर युवक से शादी भी कर ली। आपको बता दें कि जिले में 6 माह से यह 5वां मामला मिला है जब किसी मुस्लिम ने सनातन धर्म अपनाया है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के कुंभराज में रहने वाली नाजनीन बानो पिता मोहम्मद जफर को टिकटॉक पर दीपक पिता विठल गोस्वामी नाम का युवक पसंद आ गया। वह उसे फॉलो करने लगी। इसी ऐप के जरिए दोनों की बात शुरू हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर दोनों 6 माह पहले बिना बताए घर से भाग गए। दोनों शादी कर जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन अलग अलग धर्म के होने से शादी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिन पहले लड़के ने अपने परिवार से संपर्क किया। उसने परिजन से कहा कि नाजनीन सनातन धर्म अपनाना चाहती है। युवक के पिता ने मंदसौर के चैतन्य सिंह राजपूत से संपर्क किया। इसके बाद गुरुवार रात विधि विधान से गायत्री मंदिर में सनातन धर्म अंगीकार कर नाजनीन नैन्सी गोस्वामी बन गई। दोनों ने 7 फेरे लेकर विवाह के गठबंधन में बंध गए। नैन्सी 19 साल की हैं, 9वीं तक पढ़ी हैं। दीपक की उम्र 22 वर्ष है, वह कॉमर्स से फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। मंदसौर में पिछले महीने में 5 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया है। 27 मई को पत्रकार शेख जफर कुरैसी घर वापसी कर चैतन्य सिंह राजपूत बने थे। इसके बाद 9 सितंबर को जोधपुर की इकरा सनातन धर्म अपनाकर इशिका बनी थी। 30 दिसंबर को निसार मोहम्मद हिंदू धर्म अपनाकर सोनू सिंह बने। अब नाजनीन बानो नैन्सी बन गई है। चैतन्य सिंह आश्रम के से संत युवाचार्य मनमणि महेश महाराज और समाज सेवियों की उपस्थिति में नैन्सी और दीपक का विवाह गायत्री मंदिर में संपन्न हुआ। संत धर्म परिवर्तन के आयोजन में नैन्सी को आशीर्वाद पहुंचे थे। समाज सेवी पंडित रविंद्र पांडे, पार्षद पति एवं हिंदूवादी नेता विनय दुबला, समाज सेवी सुनील बंजारिया, सनातन क्रांति सेना के सिद्धार्थ नाहर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक व राजनीतिक महानुभाव शादी में शामिल हुए। मैंने मेरी खुद की मर्जी से, किसी के बहकावे में, किसी की जोर जबरदस्ती में आके नहीं, मेरी खुद की मर्जी से शादी की है। इनके परिवार वालों ने मुझे बहुत अच्छे से अपना लिया है। मैं पुलिस प्रशासन से मैं ना सिक्योरिटी की मांग करती हूँ, बस मुझे सिक्योरिटी चाहिए। के पिताजी को हमने यहाँ मंदसौर बुलवाया और यहाँ पूरे वैदिक पद्धति से उसके संस्कार हुए। बच्ची ने सनातन धर्म अपनाया और उनका विवाह भी हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।